हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हाल चाल है आप सभी के? देखो गाइस, तो जब से ये वाला ड्रैगन गेम में आया ना, तब से इसको लेकर इतनी सारी कंफ्यूजन है कि क्या ही बताओ। तो चलो साथ में वो वाली कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो सबसे पहले मुझे सबसे ज्यादा सुनने को मिला था ये कि इस ड्रैगन को मारने पे आपको रिकॉल कार्ड मिल रहा है, लेवल 4 की हेलमेट और वेस्ट मिल रही है, और साथ ही साथ मिल रहा है टाइटल। तो क्या ये सारी चीजें एक्चुअल में मिल रही है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ड्रैगन को मारने पे आपको ये तीनों चीजों में से कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओके, तो दूसरा ही ये कि यहाँ पे 3 टीम से भी ज्यादा टीम जा सकती है। तो मैं बताऊं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। शुरुआत में 3 टीम यहाँ पे जाती है ना, बस वही 3 टीम यहाँ पे जा सकती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है वहाँ पे 3 टीम गई है, उनमें से कोई एक टीम खत्म हो जाएगी, वहाँ से बाहर आ जाएगी तो जगह बनेगी, फिर हम आ जाएंगे, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो शुरुआत में 3 टीम गई है, बस वही 3 टीम एक गेम में वहाँ पे जा सकती है। तो अगर पहले से 3 टीम वहाँ पे मौजूद है तो नया गेम लगा लो, क्योंकि इस गेम में तो आप वहाँ पे जा नहीं पाओगे। अगला कंफ्यूजन ये है कि अगर आप ड्रैगन को मारने जाते हो, वहाँ पे आप नॉक और फिनिश हो जाते हो, लेकिन उसके बाद आपके टीममेट्स ड्रैगन को मारने में सफल होते हैं, तो क्या आपकी अचीवमेंट काउंट होगी? अगर आप वहाँ जाकर ड्रैगन के हाथों मरे हो और उसके बाद आपके टीममेट ने ड्रैगन को मार दिया है, वो अचीवमेंट पूरी करी है, तो हाँ, आपकी भी साथ ही साथ अचीवमेंट पूरी होगी। लेकिन अगर आप वहाँ बंदों से मरे हो, मतलब ड्रैगन को मारने गए और किसी एनिमी ने आपको नॉकआउट फिनिश कर दिया है, तो आपकी ये अचीवमेंट काउंट नहीं होगी। एक बार यहाँ पे मरते हो तो दोबारा यहाँ पे जा नहीं पाओगे। अभी बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो आपको इस ड्रैगन को मारने की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स नेट पे दिख ही रही होगी। तो क्या ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स काम करती है? तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाली ट्रिक बहुत ज्यादा वायरल है कि आप यहाँ पे पत्थर के पास आओगे, भाला फेंकोगे तो आप हवा में तैरने लग जाओगे। तो सेम ट्रिक हमने भी यूज करी, लेकिन इस ट्रिक का कुछ फायदा नहीं हुआ। ओके ठीक है, हमने तो करी, लेकिन हमारे एनिमी ने भी यही सेम ट्रिक यूज करी थी, लेकिन उसका भी नहीं हो पाया। तो क्या ये ट्रिक काम नहीं करती या फिर हमने कुछ गलत करा? प्लीज कमेंट में बताना आप लोगों ने ये वाली ट्रिक ट्राई करी है क्या और ये काम करी है क्या। दूसरी ट्रिक है कि साइकिल से ड्रैगन को मारना। देखो, तो इसमें आप साइकिल से ड्रैगन को मार सकते हो, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत आएगी। जो आपका टीममेट साइकिल चला रहा है वो ड्रैगन को नहीं मार सकता, और ऐसे में आपको ज्यादा टाइम लग सकता है ड्रैगन को मारने में। और यहाँ ड्रैगन को मारने के लिए कुछ मिनट का ही टाइम आपको मिलेगा, तो उतने टाइम में ड्रैगन को आपको मारना है, तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, लेकिन ये ट्रिक काम तो ज़रूर करती है। तो इतनी जद्दोजहद करने के बाद आप जब ड्रैगन को मार रहे हो, तो आपको ड्रैगन को मारने पे एक्चुअली में मिल क्या रहा है? तो मैं बता दूँ, ड्रैगन को मारने पे आपको मिल रहा है बस 2 प्रीमियम क्रिएट कूपन और 40 अचीवमेंट पॉइंट्स, और हाँ, बहुत सारी लूट। लेकिन ये लूट तो आपको बिना ड्रैगन को मारे ही मिल जाएगी। जहाँ पे आप ड्रैगन को मारने जा रहे हो ना, वहीं पे दूसरी लोकेशन पे ये क्रिएट आपको मिल जाएगी, वहाँ पे सेम लूट मिल रही है। तो ड्रैगन को मारना इतना जरूरी है? आप बताओ, इसके बाद भी आप ड्रैगन को मारने जाओगे? अगली वीडियो में ये बताऊंगी कि हमने उस ड्रैगन को कैसे मारा है। ओके ना, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज स्ट्रीम को लाइक कर देना, और प्लीज कमेंट्स में बताना यार कि आप ड्रैगन को मारने क्यों जा रहे हो, लूट के लिए या फिर बस एक्सपीरियंस के लिए कि आपको ड्रैगन को मारकर देखना है कि कैसा लगता है। बताना जरूर। बाय बाय।